शॉक हालत में ही था, सिर की हड्डियाँ टूटी हुई थी और सिर पे हमें लग रहा था कि इंट्राक्रेनियल ब्लीड भी है, तो इसलिए हमने उसकी हालत देखते हुए उसको भी रहते की रेफर किया है। दवाइयाँ जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था उसका सब कुछ चलाया है, ठीक है। तो अभी कोशिश तो यही की है, पेशेंट कॉन्शियस था तो कोशिश तो यही की है कि बच जाए, तो इसलिए हमने फटाफट से उसको रोहतक ही रेफर किया है। अभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है, कुछ अननोन लोग उसको बच्चे उठा के लाए थे, गवर्नमेंट कॉलेज का शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड था, तो एटीएम पे मुझे आइडिया नहीं है, तो बच्चे उसको लेकर आए थे, उन्हें भी बहुत ज़्यादा नहीं पता, जितना पता था उन्होंने ही बताया, नाम पता कुछ मालूम नहीं था, तो हमने उसको इसलिए रेफर किया। डॉक्टर महिमा बोल वारदात। देखिए चौधरी बंसलाल यूनिवर्सिटी स्थित SBI बैंक है, हमें ये सूचना मिली थी कि 11:30 के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ पे आया और कुछ घातक हथियार उसने ले रखा था, उसने आते ही गार्ड पे अटैक किया और आसपास में जो भी कार्मिक उपस्थित थे उनको भी भय दिखाया, और इसी दौरान ही जो मेरी मैनेजर से अभी बात हुई है प्रारंभिक पूछताछ के अनुसार 1,00,000 रुपये के आसपास लूट के ले गया है। हमारी सारी टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो मेन अक्यूज इन्वॉल्व है वो राउंड अप हो। सर बताया जा रहा है कितने संख्या में थे और कितने? देखिए अभी तक जो फुटेज देखी है मैंने, जो प्रारंभिक है ये अभी हम और वेरीफाई कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन अभी तक एक व्यक्ति बैंक के अंदर एंट्री किए थे। सर उसकी हालत कैसी है जो जिसको गोली मारी गई? देखिए घातक हथियार से हमला किया है, अभी गोली का हम कन्फर्म नहीं कर रहे हैं और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है थोड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से हमला हुआ है उसे थोड़ी स्थिति गंभीर हो सकती है। ये हम अभी पूछताछ कर रहे हैं, जो गार्ड है वो गंभीर रूप से घायल है।